नमस्कार मित्रों, आजना वीडियो में आपणे वडोदरा जिल्लानी खूब ज अगत्यनी अने उपयोगी माहिती मेळवीशुं, जे आवनारी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे उपयोगी रहेशे। जेमां आपणे वडोदरा जिल्लाना जोवालायक स्थळो, उद्योगो, नदीओ, तालुकाओ वगैरेनी अगत्यनी माहिती मेळवीशुं। तो मित्रों, वीडियोने अंत सुधी जोजो। तो चालो जोईए वडोदरा जिल्लानी रसप्रद माहिती। वडोदरा जिल्लानुं जिल्ला मथक वडोदरा। जिल्लानी रचना 1 मे 1960 ना रोज गुजरात राज्य की स्थापना समय वडोदरा जिल्लानी रचना करवामां आवी हती। स्थान अने सीमा वडोदरा जिल्लानी उत्तरे खेड़ा अने पंचमहाल जिल्ला, पूर्व में छोटाउदेपुर जिल्लो, दक्षिण में नर्मदा अने भरूच जिल्ला तथा पश्चिम में आणंद जिल्लो छे। क्षेत्रफळ वडोदरा जिल्लानुं कुल क्षेत्रफळ 4312 चौरस किमी छे। तालुकाओ वडोदरा जिल्ला में कुल 8 तालुकाओ आवेला छे, जे आ मुजब छे: वडोदरा, सावली, वागोड़िया, पादरा, करजण, सीनोर, डभोई अने डेसर। हवे जोईए मित्रों वडोदरा जिल्लानी विशेषता। वडोदरा महलोना शहर तरीके जाणीतुं छे। वडोदरा गायकवाड़ राज्यनी राजधानी हती। वडोदरा गुजरातनी संस्कार नगरी तरीके प्रसिद्ध छे। वडोदरानो लीलो चेवड़ो अने भाखरवाड़ी प्रख्यात छे। ढाढर अने नर्मदा नदी वच्चेनो रेगूर प्रकारनी जमीनवाड़ो प्रदेश कानम तरीके ओळखाय छे। ईस्वीसन 1939 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़े वडोदरामां गुजरातनुं सौ प्रथम रेडियो स्टेशन शुरू कर्युं हतुं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़े वडोदरा राज्यमां सौ प्रथम प्राथमिक शिक्षण फरजियात कर्युं हतुं। गुजरातनो सौथी मोटो महल लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरामां छे। नदीओ विश्वामित्री, ढाढर, ओरसंग, हिरण, गोमा, मेसरी, भूखी, बारज अने मही। नदी किनारे वसेला शहर वडोदरा, जे विश्वामित्री नदी किनारे वसेलू शहर छे। चांदोज, नारेश्वर अने मालसर जे नर्मदा नदी किनारे वसेला शहरो छे। पाक कपास, डांगर, जुवार, मगफळी, घऊं, बाजरी वगैरे पाक वडोदरा जिल्लामां थाय छे। सिंचाई योजना वडोदरा नजीक अजवामां विश्वामित्री नदी पर बंध बांधवामां आव्यो छे, ते वडोदरा शहेरने पाणी पूरू पाड़े छे। खनिज वडोदरा जिल्लामांथी केल्साइट अने चूनानो पत्थर मळी आवे छे। उद्योगो वडोदरा जिल्लामां गरम कापड़नो उद्योग विकसो छे। ईस्वीसन 1962 रासायणिक खातर बनावानुं एशियानुं सहकारी धोरणे चालतुं सौथी मोटुं कारखानुं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स GSFC नी स्थापना करवामां आवी हती। ईस्वीसन 1965 कोयलीमां खनिज तेल शुद्धिकरणनी रिफाइनरी स्थापवामां आवी हती। ईस्वीसन 1969 भारत में सौ प्रथम इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड IPCL की स्थापना करवामां आवी हती। वडोदरा में एलेम्बिकनु दवा बनावानु कारखानु छे। वागोड़िया में गुजरात साइकल्स लिमिटेडनु साइकल बनावानु कारखानु छे। डेरी उद्योग बरोडा डेरी वडोदरा। वाव नवलखी वाव वडोदरा। महल लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा। अगत्यना रेलवे स्टेशन वडोदरा, डेसर, सावली, छाणी, पादरा, वागोड़िया, डभोई, चांदोज अने करजण, जे वडोदरा जिल्लाना अगत्यना रेलवे स्टेशन छे। राष्ट्रीय धोरीमार्ग 48 नंबरनो राष्ट्रीय धोरीमार्ग वडोदरा जिल्लामांथी पसार थाय छे अने नेशनल एक्सप्रेस हाईवे नंबर 1 वडोदराने अमदावादथी जोड़े छे। तळाव मोहम्मद तळाव, अजवा तळाव, सुरसागर तळाव वडोदरा। डभासा तळाव पादरा। दसपुरानु तळाव पादरा। नागेश्वर तळाव अने तेन तळाव डभोई। यूनिवर्सिटी विद्यापीठ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी MS यूनिवर्सिटी वडोदरा। सुमनदीप यूनिवर्सिटी वागोड़िया। मंगल भारती ग्राम विद्यापीठ गोलगामड़ी। संग्रहालय वडोदरा म्यूजियम अने
पिक्चर गैलरी वडोदरा, महाराजा फतेहसिंह राव म्यूजियम वडोदरा, पुरातत्व विद्या विषयक म्यूजियम MS यूनिवर्सिटी वडोदरा, हेल्थ म्यूजियम वडोदरा, मेडिकल कॉलेज म्यूजियम वडोदरा, ग्रंथालय, प्राच्य विद्या मंदिर वडोदरा, श्री मुक्ति कमल मोहन ज्ञान भंडार वडोदरा, मध्यस्थ ग्रंथालय वडोदरा गुजरातनुं सौथी मोटुं ग्रंथालय, हंसाबेन मेहता ग्रंथालय वडोदरा, मुक्ताबाई जैन ज्ञान मंदिर डभोई, संशोधन केन्द्र, गुजरात आल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड वडोदरा, गुजरात कम्युनिकेशन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वडोदरा, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वडोदरा, गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वडोदरा, गुजरात इंडस्ट्रियल R&D एजेंसी इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी वडोदरा, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड फर्टिलाइजर नगर वडोदरा, इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन वडोदरा, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वडोदरा, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड वडोदरा। हवे जो ये मित्रों वडोदरा जिल्ला में आवेला जोवालायक स्थळो। वडोदरा, वडोदरानुं प्राचीन नाम वटपद्रक वटपुर छे। गायकवाड़ राजाओनी राजधानी वडोदरा ने सुविकसित अने सुशोभित बनावानुं श्रेय सयाजीराव गायकवाड़ ने फाळे जाय छे। अनेक भव्य इमारतों ने लीधे आ शहर महलोनुं शहर कहेवाय छे। आ शहर में न्याय मंदिर, कीर्ति मंदिर, सुरसागर तड़ाव, महाराजा फतेहसिंह राव संग्रहालय, प्रताप विलास पैलेस, मकरपुरा पैलेस, लक्ष्मी विलास पैलेस, नजरबाग पैलेस वगैरेना स्थापत्य अने कला दर्शनीय छे। कीर्ति मंदिर में गायकवाड़ वंशना राजाओ तथा तेमना परिवारना घणा तैलचित्रों छे। अहीं शांतिनिकेतनना महान कलाकार नंदलाल बोझे गीताना विषय पर बनावेला सुंदर चित्रों छे। कमाटीबाग प्राणी संग्रहालय, सयाजीबाग प्लेनेटोरियम, EME टेम्पल, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वगैरह वडोदरा जिल्लानी शोभा में अभिवृद्धि करे छे। न्याय मंदिर पासेनी शहीद भगतसिंहनी प्रतिमा गुजरातनी एकमात्र प्रतिमा छे। वडोदरानुं पुस्तकालय समृद्ध गणाय छे। नजीकमां ज फर्टिलाइजर नगर थता वडोदरानो विकास झड़पी बन्यो छे। આજવા તળાવમાંથી વડોદરા શહેરને પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે। આજવા ડેમ પાસે બનાવેલો ગાર્ડન સહેલાણીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે। અહીં નૌકાવિહારની સુવિધા છે। ડભોઈ, ડભોઈનું પ્રાચીન નામ દર્ભવતી છે। અહીંનો ઐતિહાસિક કિલ્લો પ્રસિદ્ધ છે। હીરા નામના સલાટના નામ પરથી કિલ્લાનો પૂર્વ દરવાજો હીરા ભાગોળ તરીકે ઓળખાય છે। દક્ષિણે નાંદોરી ભાગોળ, પશ્ચિમે વડોદરી ભાગોળ અને ઉત્તરે મહુડી ભાગોળ છે। આ ઉપરાંત હીરાએ તેની પ્રેમિકાની યાદમાં બંધાવેલું તેન તળાવ તેમજ નાગેશ્વર તળાવ અને બીબીની બગી જાણીતા છે। કાયાવરોહણ કારવણ, અહીં ભવ્ય અર્વાચીન શિવાલય છે। શિવનો 28મો અવતાર ગણાતા પુરાણ પ્રસિદ્ધ ભગવાન લકુલિશનો જન્મ અહીં થયો હોવાની માન્યતા છે। પાશુપત સંપ્રદાયનું આ મુખ્ય મથક છે। સ્વામી કૃપાલ્યાનંદજીએ પ્રાચીન અને અર્વાચીન સ્થાપત્ય કલાનો સુમેળ સાધીને અહીં એક યોગ મંદિરનું નિર્માણ કર્યું છે। ચાંદોદ, દક્ષિણના કાશી તરીકે ઓળખાતું ચાંદોદ કરનાળી પૌરાણિક મહત્વ ધરાવે છે। નર્મદા નદીના કિનારે આવેલું ચાંદોદ પિતૃઓની શ્રાદ્ધવિધિ માટે જાણીતું છે। અહીં નર્મદા, ઓરસંગ અને કરજણ નદીઓનો સંગમ થાય છે। ચાંદોદમાં કુબેરેશ્વરનું મંદિર, કરનાળી મહાદેવનું મંદિર, દક્ષિણામૂર્તિ તેમજ ગણપતિ, ગાયત્રી, હાટકેશ્વર, ગરુડેશ્વર વગેરેના મંદિરો દર્શનીય છે। નારેશ્વર, અહીં નર્મદા નદીના કિનારે શ્રી રંગ અવધૂત મહારાજનો આશ્રમ છે। કોયલી, કોયલીમાં ઈસવીસન 1965માં ખનિજ તેલ શુદ્ધિકરણની રિફાઇનરી સ્થાપવામાં આવી હતી। અંકલેશ્વરમાંથી નીકળતા ખનિજ તેલનું શુદ્ધિકરણ આ રિફાઇનરીમાં થાય છે। તો મિત્રો, આ હતી વડોદરા જિલ્લાની ખૂબ જ અગત્યની અને રસપ્રદ માહિતી। જો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક એન્ડ શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। તો ચાલો મિત્રો મળીએ બીજા વિડીયોમાં। ધન્યવાદ।